फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं मैसेज के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का कॉल लॉक ओपन करना है। ये वाला इसमें आपको सबसे ऊपर ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है, 3 डॉट पर टैप करना है। ये पेज आता है, इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए, इस पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिलता है क्विक रिस्पॉन्स का, ये वाला क्विक रिस्पॉन्स पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए, इसमें आपको 4 से 5 लाइनें मिल जाती हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन लाइनों में आप अपने तरीके से भी लाइन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये हिंदी लैंग्वेज में लिख रखा है, बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो आप जो है ना किसी भी लाइन पे सिलेक्ट कीजिए, तो इसके जो इंग्लिश के लेटर्स हैं ये आपको कट कर देना है, उसके बाद आप अपने तरीके से कोई भी लाइन को ऐड कर सकते हैं और उसे आपको ओके कर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप देखिए सेटिंग जो है कैसे काम करेगी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा ना, कोई भी इनकमिंग कॉल अगर आता है तो इनकमिंग कॉल पे नंबर पे सिलेक्ट करना है। जैसे नंबर होता है ना, नंबर पे सिलेक्ट करना है, तो आपका इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब इसमें आपको जो है ना नीचे की साइड ये मैसेज का ऑप्शन है, मैसेज पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए, जो भी लाइन आपको ठीक लगती है, जो आपने ऐड कर रखे उसे सिलेक्ट कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इनकमिंग कॉल रिजेक्ट हो जाएगा और देखिए एक मैसेज जो है सेंड हो जाता है। जो लाइन आपने सिलेक्ट किया ना, उसी का मैसेज जो है सेंड हो जाता है सामने वाले पर्सन पे उसी वक्त ही, ठीक है। जिससे सामने वाले पर्सन को ये पता लग सकेगा कि आपने उनकी कॉल को रिजेक्ट क्यों किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं मैसेज के साथ, ठीक है।